Good morning students, how are you today? So today is the civics class of the other topics of constitutional design. We have studied what we have studied in the previous classes of this chapter are very important, and what we are going to study in this class or further classes is also very important. जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी परेशानियां थी, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे उन लोगों को बहुत सारी परेशानियां थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. लेकिन इन परेशानियों के बावजूद तो हमारे इंडियन मेकर्स के पास जो सबसे बड़ा फायदा था कि हमें किसी तरह का लोगों से पूछने की जरूरत नहीं थी, एक कंसेंसस मतलब जनता से किसी तरह का सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं थी. जैसा कि हम लोगों ने ये टॉपिक लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों का डेमोक्रेसी किस तरीके का होगा, इसके लिए बहुत पहले से विचार विमर्श चल रहा था हमारी आज़ादी से पहले, ठीक है. ये हम लोगों का नेशनल मूवमेंट, जो हम लोगों का स्ट्रगल, जो संघर्ष, जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे देश के अंदर चल रहा था, ये सिर्फ आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं चल रहा था, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए संघर्ष चल रहा था जिसको इंडिया ने कभी पहले से कभी नहीं देखा था. एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ था. और ये जो संघर्ष जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है और ये जो संघर्ष जो लोगों का चल रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए था. सबसे बड़ी बात ये थी, ये हमारी सोसाइटी और हमारी पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से बदलने वाली थी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी. इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे इसके, जैसे कि 1928 में, इसके बारे में हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस के मेंबर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था जिसको हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था. 1931 में एक रेजोल्यूशन कराची में, कराची जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है, कराची में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है. उस रेजोल्यूशन में भी जो 1928 में और 1931 में दोनों में एक ही तरह की बातें हुई थी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे दोनों जगह जोर दिया गया था. सबसे बड़ी बात यही थी, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी भी हो लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक मुद्दे जो शुरू से रखे गए थे वो ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये रहेगा ही रहेगा. इसके अलावा जो एक और चीज़, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ फ्रीडम टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये दो चीज़ जो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ये दो चीज़ जो थी, ये कराची सेशन हो या 1928 का मोतीलाल नेहरू वाला जो और 8 अदर कांग्रेस के मेंबर्स ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाली थी. तो हम लोगों को इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कुछ कुछ बेसिक आइडियाज था ही कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है एक्चुअली. इसके अलावा द फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशन डिजाइन. जो लोगों को परिचय था, लोग सबसे पहले से कॉलोनियल रूल में जिस तरीके का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो अंग्रेज सरकार को बनाई हुई थी, तो जिस तरीके का उन लोगों ने सिस्टम डेवलप किया था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो सोसाइटी का सिस्टम हो, चाहे वो हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, एक पुरुष प्रधान सोसाइटी, जिस तरीके का जो सोसाइटी एक कॉलोनियल रूल में जो अंग्रेजों ने डेवलप करके गया था, इससे लोग फेमिलियर थे, लोगों को इससे परिचय था और लोग इसके बारे में जानते थे. तो इसके पे काम करने के लिए लोगों ने, इसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों ने जोर दिया था, ठीक है. इसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो संस्था हो, जो एक ऐसी संस्था, हमारा संविधान एक ऐसा संस्था उभर के आए, एक ऐसा बने, संस्था बने जो कि एक प्रेरणादायक हो, एक इंस्पिरेशनल हो, ये लोगों के दिमाग में था पहले से. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स. हमें पता है, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को दिए थे, अपने गवर्नमेंट में बहुत कम लोगों को उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स दिए थे और इस वजह से
जो कानून बनाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को दिए थे और इस वजह से ये बहुत बड़ा कारण था कि ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उनमें लेजिस्लेचर बहुत कमजोर था। बट इंडियन गवर्नमेंट ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी जिसमें हर किसी को, ठीक है, 18 साल से ऊपर हर वो इंसान को वोटिंग राइट्स दिया जा रहा था। तो ये बहुत अच्छा चीज था। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. 1937 में देखो सबसे बड़ी बात, बहुत important चीज़ है ये, ठीक है। 1937 में एक election हुआ, 1937 में elections were held. इसमें कई सारे लोगों को चुना गया था, इंडियन ओरिजिन के लोगों को, ठीक है, और वो लोग कई सारे उनको मिनिस्ट्रीज दी गई थी इंडिया में, जैसे जवाहरलाल नेहरू को कई सारी मिनिस्ट्रीज दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जितने भी इंडिया में बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों को 1937 में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर ही इलेक्शन हुआ था उस समय, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन का मतलब होता है कि स्टेट वाइज में इलेक्शन हुआ था और एक सेंट्रल लेवल पर भी इलेक्शन हुआ था। और इस इलेक्शन में ये फुल्ली डेमोक्रेटिक तो था नहीं इलेक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सोल पावर था, जो मेन पावर था इस डेमोक्रेसी में, उस समय अंग्रेजों के हाथ में था। बट इस इलेक्शन से बहुत सारे यहाँ के नेताओं को और यहाँ के लोगों को फायदा मिला था, क्योंकि एक आइडिया हो गया था कि आखिर गवर्नमेंट किस तरीके का होगा आने वाले आज़ादी के बाद, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी 1937 के इलेक्शन के बाद, ठीक है। These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. Just मैं वही बता रहा था कि लोगों को ये fully democratic तो नहीं था ये पूरा का पूरा institution, तो 1937 में जो election हुआ था, लेकिन वो नेता जिनको कम से कम पदभार मिला, जिन्होंने ministries संभाली, उनको ये ideology हो गई कि हमें जो इलेक्शंस जब 1947 के बाद जब हमें गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो गवर्नमेंट हम किस तरीके का बना सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो हमको अपने गवर्नमेंट में नहीं रखना है, इन चीज़ों से इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे, जो इंडिया के लोग थे, उनको बहुत आइडिया हो गया था कि किस तरीके का हमें क्या क्या चेंजेस करना होगा जब हम सत्ता में आएंगे। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1935 का, और आज की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे कानूनों को फॉलो करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। अंग्रेजों का समय मतलब 200 साल पहले से नहीं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थे, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे कानूनों को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो इससे इस एक्ट से इस एक्ट की वजह से 37 में इलेक्शन हुए थे, यही प्रोसेस था इस एक्ट में ही, ये प्रोसेस दिया गया था कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कौन कौन से लोग वोट्स करेंगे, इलेक्शंस होने के बाद कौन कौन से लोगों को किस तरह का मिनिस्ट्री होगा और किस किस तरह के मिनिस्ट्री में कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर हम पोलिटिकल रेस्पेक्ट पर देखें, अगर हम इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट पर देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इंडिया का समझ लीजिए आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, जो कि अंग्रेज लोग लेके आए थे। Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. सालों तक लोगों ने इसके बारे में सोचा, विचार करना, ठीक है, बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, बैठाई। एक सबसे बड़ी बात यही है बच्चों की, अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आप विचार विमर्श बहुत लंबा करते हैं, आपको जो रिजल्ट निकल के आता है वो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट। यही हुआ, इतने सालों तक लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस तरह की क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे संविधान में, तो लोगों के विचारों से ये बहुत अच्छा ही लोगों को फायदा मिला कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स, हमारे लीडर्स को दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बहुत
साहस मिला, उन लोगों को बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपने टर्म्स, अपने देश के स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप दूसरे कंट्री से लेके उठा के अगर यहाँ डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं तो वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको कम से कम उस देश की परिस्थिति और अपने देश की परिस्थिति दोनों का आकलन करके ही किसी भी रूल को दूसरे देश से उठा के देश में लाया जा सकता है, और यही इन्होंने किया। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो लोग कई सारे बाहर के देशों के बहुत सारे कानूनों से बहुत इंस्पायर्ड है, जैसे कि कई लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। कई सारे ऐसे नेता थे जो जिनको प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिस तरीके का पार्लियामेंट का सिस्टम ब्रिटेन में है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत सारे लोग इंस्पायर थे। बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए में है उस सिस्टम से बहुत सारे लोग इंस्पायर थे। रशियन रेवोल्यूशन में जिस तरीके का माहौल बना था उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों को ये सारे के सारे रेवोल्यूशन और सारे के सारे कानूनों को देख के एक चीज का आइडिया मिला कि हम लोग अपनी सोसाइटी को किस तरीके से सुधार सकते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो अगर सिंपली कॉपी कर देना इज नॉट एवरीथिंग, इमीडिएट इमीडिएट का मतलब होता है कॉपी कर देना, तो सिंपली कॉपी कर देना वाज नॉट दैट हर वो सिस्टम, ठीक है। रशिया आइडेंटिफाइड मेरे इंटरेस्टिंग ऑफ शेपिंग अ बेसिक सिस्टम ऑन सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी। रशिया में जिस तरीके का चेंजेस आ रहे हैं,